सभी बोलो ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है। तो फरिश्ता बनने के लिए, देवता बनने के लिए सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना है कि अंतर मन, उसके बारे में जानना जरूरी है। तैयार हो? चलिए अभी 5 मिनट हम योग की कमेंट्री करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे कि बाबा मेरे साथ हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीरियस हो गए? अभी योग लगाना ना, मुस्कुरा के। बाबा कहते बड़े प्यार से मुझे याद करना, कोई तकलीफ से नहीं। सब तकलीफ से याद करने लगते हैं, चेहरा बिगाड़ के नहीं। हाँ, अभी हम योग करेंगे, उसके बाद अंतर्मन की ओर जाएंगे, तभी हमारे अंतर्मन काम करेगा। ठीक है, चलिए रेडी, रेड लाइट। सभी मुस्कुराते हुए मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनी हुई दिव्य मणि हूं मैं। मस्तक के बीच चमकता हुआ शुद्ध प्रकाश सितारा मैं आत्मा अपने ही संकल्पों से सारी शक्तियों की किरणों को समेट रही हूं। मेरे इस शरीर रूपी वस्त्र मुझ आत्मा से संपूर्ण अलग है। सारी शक्तियां समेट कर मैं आत्मा महसूस कर रही हूं। संपूर्ण शक्तिशाली शुद्ध प्रकाश चमकता हुआ हीरा अब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने ही दिव्य श्रेष्ठ संकल्प से उस लाल सुनहरे मूल वतन मीठे घर परम धाम से शिव बाबा को आह्वान कर रही हूं। सर्वशक्तिमान बाबा परम धाम से उतर कर नीचे और नीचे तारों की दुनिया सूर्य चांद और नीचे इस विश्व गोला के अंदर इस तपोवन में इस हॉल के अंदर मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया बनकर बाबा 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। रिमझिम रिमझिम किरणें
शांति आनंद पवित्रता की मुझ आत्मा पर पड़ रही है। आहा, कितना सुंदर सुखदायी स्थिति है। झरझर झरनों की तरह असीम शक्तियों की ऊर्जा मुझ आत्मा में समाती जा रही है और वही किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में चारों ओर फैलती जा रही है और मेरी खुली आंखों से बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें मेरी आंखों से मैं जहां भी देखूं जिसको भी देखूं 24 घंटे किरणें निकल रही है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर शक्तिशाली ऊर्जा से संपन्न बनाया। थैंक यू बाबा। आप सदा मेरे साथ हो। मैं कहीं भी रहूं, आप हमेशा मेरे छत्र छाया बनकर 24 घंटे आप जो श्रीमत देंगे उसी अनुसार मैं अपने पुरुषार्थ को करके आपको प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनूंगी। सबको मजा आ रहा है? आनंद आ रहा है? क्या सीखा अभी तक? बढ़िया बोलो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं मुझे क्यों ये सामान नहीं मिला आज? तो मेरे को क्यों ये चीज नहीं दिया? देखो, बढ़िया बोलते ही आपकी मनोस्थिति, घटनाएं घटेगी, परिस्थिति आएगी, अंधेरा होगा, लेकिन आपको दिया जलाना है। कौन सी दिया? बोलो ना। बढ़िया। जा रहे थे मधुबन, ट्रेन चली गई 5 मिनट पहले, लेन मिल गया। हाथ उठा के बोलो ना। बढ़िया बढ़िया। तो संकल्प को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सतयुग में जाना है। कहाँ जाना है? संकल्प को सफल बनाने के लिए हमें सतयुग में जाना है। सतयुग में कौन कौन जाना चाहेंगे? मैं तो जाऊंगा ही। हाथ उठा के बोलो मुझे जाना। अच्छा, सतयुग में जाके करेंगे क्या? नाचेंगे, है ना, गाएंगे, और क्या करेंगे? घूमेंगे, फिरेंगे, और क्या करेंगे? पुष्पक विमान में उड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मेरे पास पुष्पक विमान हो? नहीं चाहिए आपको? आप तो यहाँ पैदल करेंगे। पुष्पक विमान किसको चाहिए? हाथ उठा के रखो ना, ये ट्रेनिंग वाली भट्टी है। बहुत अच्छा, बहने भी उठा दो दीदी, बहुत अच्छा।
सभी सभी को पुष्प विमान। अच्छा, पुष्प विमान कैसे, आप चलाएंगे या ड्राइवर रखेंगे? कैसे चलाओगे? संकल्प से। अच्छा, उस संकल्प से पुष्प विमान चलानी है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है, ऐसे हो रही है, हो रही है, कब तक करते रहोगे? जब तक शरीर ना छोड़े। आपके पास एक सुंदर गाड़ी आ गई, क्या आ गई? प्लेन आ गया, क्या आ गया? हेलीकॉप्टर आ गया, क्या आ गया? वो स्वयं आपको चलानी है तो उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी है, किसी दूसरे को लेनी है? ट्रेनिंग आपने ले लिया, चला के दिखाओगे या नहीं? तभी गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, फिर आप चला सकते हो। हाँ या ना? तो बाबा भी कहता है, बच्चे अपने संकल्प को सफल करो, शक्तिशाली बनाओ, दिव्य बनाओ, कि आपके संकल्प से आने वाली तूफान रुक जाए, बारिश थम जाए, तड़प तो ही आत्माएं खुशी में झूमने लगे, जो दर्द में चित्कार कर रहे हैं, करुणों में भटक रहे हैं, सुख शांति के लिए राहत ठिकाना मिल जाए, ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। जो आप पुष्प विमान चलाने वाले हो संकल्प से, वो संकल्प की डेमो दिखाने की ये सब तरीका है। भूकंप होगी, लाखों करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे समय पर आपके संकल्प से सबको शांति मिल जाए। कर पाओगे? बाबा मेरा घर थोड़ा ठीक कर देना, मेरी दुकान ठीक कर देना, मेरे बच्चों को ठीक कर देना, मेरे मम्मी चाचा पापा नाना दादा दादी काका पापा पापी सबको ठीक कर देना, उसके बाद तो मैं ज्ञान में चलूंगा चलूंगी, बाबा शक्ति भर देना। हर कार्यों में हम बाबा को यूज करते हैं, करना है, लेकिन कैसे? वो कहते हैं ना, खाना कैसे खाना है, किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। भाई आप उठ के आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी फटाफट। यह समझ लो कौन है, मेरा मन है, ठीक है? आप इधर खड़े रहो, ये कौन है सामने देखो। हाँ, आपको कुछ करना नहीं जब तक मैं नहीं हूं, मुझे लगा कुछ करने वाले हूं। ताली बजा दो, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा मन शक्तिशाली है, ठीक है? अब मैं उसको जो ऑर्डर करूंगा वो करेगा, है कि नहीं? क्योंकि सत्युग में मन तो पहले ऑर्डर करेगा ना, कि बादल बारिश हो जाए तो बरसेगा, पुष्प विमान चल तो चलेगा। हाँ या ना? तो समझ लो मैं अभी ट्रेनिंग करूंगा, अब मैं जो बोलूंगा फटाफट करना, ठीक है? नीचे उतरो, यहाँ बैठो, उधर जाओ, इधर जाओ, कुछ कर नहीं रहा, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उड़ो, जा जा बेटा, ताली बजा दो। अगर मैं एक सेकंड में उसको 10 संकल्प दे दिया, कुछ कर पाएगा? कुछ कर नहीं पाया, स्थिर रहा, हल कंफ्यूज। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं। बाबा झूठ तो नहीं बोलता, बाबा कहता है तुम हो, लेकिन कहां गई शक्ति? आपके संकल्प से क्यों नहीं बारिश हो रही है, क्यों नहीं बादल थम रहे हैं, क्यों नहीं सूरज की गर्मी कम हो रही है? हो रही है, कभी कभी हो रही है, लेकिन निरंतर सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं हो रहा है? देखो, इस भाई को अगर मैं कहता, ये मेरा मन था, मैं उसको कहता भाई बैठ जाओ, एक ही संकल्प बोलता तो बैठता या नहीं? मैंने उसको 10 संकल्प दिया, उड़ जाओ, उधर जंप लगाओ, उधर नीचे उतरो, इधर आओ, इधर उधर मुंह। सत्युग में जब हम पुष्प विमान उड़ाएंगे, उसमें 10 संकल्प करेंगे या एक संकल्प करेंगे? पुष्प विमान उड़ तो अभी संगमी में कौन सा समय है? अच्छा, ज्ञान में कौन 20 साल से चल रहे हैं, जरा हाथ उठाओ। 20 साल से जो पुराने हैं वो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा।
बोलो 20 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, बोलो बोलो। अच्छा तो 10 साल मैंने 20 साल से लेके 10 साल के अंदर है वो जो चल रहे हैं, वो हाथ उठाओ। जो 10 साल से 5 साल से हाथ चल रहे हैं ज्ञान में, हाथ उठाओ। जो 5 साल से 1 साल चल रहे हैं, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। जो 6 महीने से चल रहे हैं, हाथ उठाओ। अभी सभी हाथ उठा दो, कोई बात नहीं, हलचल में। बोलो हम ज्ञान में, आगे भी, पहले भी चलते आए थे, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। चलते रहो, चलते रहो। ऐसे भाई इसमें ताली की बात कौन सी होगी, चलते रहो। बाबा कहता है ना अभी चलना, ना दौड़ना, ना उड़ना है, अभी उड़ाने का समय है। अंतिम समय आ चुका है, कयामत का नजारा है। आपकी दृष्टि पड़े उस आत्मा को शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, भगवान की दर्शन हो जाए, इष्ट देव की दर्शन हो जाए, फरिश्तों की साक्षात्कार हो जाए। ऐसी तपस्या चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, अभी भी हम चल रहे हैं। योग भट्टी में आओगे? हाँ देखूंगी, सोचूंगी, आऊंगी। अच्छा ठीक है चलेंगे, मैंने जैसे बहुत मदद कर रहे हो आप, ठीक है देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आपने कहा ना, हमें क्या मेरे अंदर वो लगन उठी है तपस्या की, मुझे करना है, मुझे तपस्या करनी है। बोलो बोलो, मुझे तपस्या करनी है। लगन लग जानी चाहिए। जब हम ज्ञान स्वरूप में गए ना 93 में, पहले पांडवन में थे, बस एक ही धुन थी, अभी योग करना है। 12 घंटा सेवा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे टाइम निकल के योग करना है, योग करना है, योग करना है। गाना लिखना है, गाना कैसे लिखूं, मुरली पढ़ना है। जितने भी हम पुरुषार्थ करें उसके आधार है मुरली, और मुरली में एक ही बात को अगर आप ध्यान से देखें, बाबा जो कहता है सत्य में जाने संकल्प सिद्धि स्वरूप बनना है, एक मुरली का पॉइंट बहुत अच्छा होता है। आप सभी ने ध्यान से सुना होगा उसको, लेकिन थोड़ा और गहराई से आज जाएंगे। बाबा कहता है दृढ़ संकल्प सफलता का, मुस्कुरा के बोलो दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प माना क्या, एक संकल्प या 10 संकल्प? पुष्प विमान उड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें तो पंखा है ही नहीं। अगर पंखा नहीं, तेल तो डाला नहीं इसमें, आगे चल के हवा में गिर गया तो सोचेंगे इसे, सत्यिक में इसे सोचेंगे? आज हमारी द्वापर से लेके अभी तक शक्तियां हीन होने के कारण इतना नेगेटिव संकल्प की ऊर्जा क्रिएट हम करते हैं। नेगेटिव संकल्प की ही ऊर्जा होता है, उसको हम क्रिएट कर करके और दुखी होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूं हर शब्द में आपको यूज करना है क्या, बढ़िया बोलो ना, बढ़िया। अभी ऐसे नहीं, दूसरों की चोट लगी तो आप कहना बढ़िया बढ़िया, दूसरे घर में शरीर छोड़ा बढ़िया बढ़िया, नहीं, पहले स्वयं के ऊपर प्रयोग करना है, फिर वो बाद में काम करेगा। कभी कभी इस बात पर नाराज हो जाते हैं कोई कोई कि हाँ मेरा ये हो नो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बाबा कह रहा है सबसे पहले स्वयं के प्रति यूज करना है। मुझे चोट लगी, मेरा सिर दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई तो बढ़िया, तब हमारा जो पहला संकल्प काम करेगा कि एक संकल्प। बाबा जो कहता है दृढ़ संकल्प सफलता का आधार है, माना एक संकल्प। आप अगर खड्डा खोदते हो, पानी निकालना है, किस लिए? खड्डा खोदा पानी निकला नहीं, थोड़ी खोटा खोदा पानी निकला नहीं, दूसरी जगह खोदा वहां भी नहीं निकला, पूरे धरती खोद लो पानी कहीं नहीं मिलने वाली है, मिलेगी? लेकिन एक ही जगह पर निकले या नहीं निकले, करते चलो करते चलो करते चलो, निकलेगा या नहीं? जरूर निकलेगा। तो बाबा कहने की बात, एक दृढ़ संकल्प, निश्चय बुद्धि, एक संकल्प पर टिक जाओ। वो कैसे टिकेंगे, उसके आधार क्या है? सत्यिक में हमारे एक संकल्प चलते थे, 10 संकल्प नहीं चलते थे, अभी कितने संकल्प चलते हैं मन में? स्कूल गया बच्चा, पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, दोस्तों के साथ चला गया इधर इधर, पता नहीं और कुछ नहीं हुआ, चलता या नहीं? टिकट कंफर्म होना चाहिए था, नहीं होगा पता नहीं, टिकट नहीं होगा तो क्या होगा, गांव में नहीं जाऊंगा। कितने चलते हैं बोलो ना,
लेकिन इन संकल्प को स्टॉप करने के लिए एक बहुत अच्छे तरीका है जो बाबा ने कहा है, आप करके देखो बड़ा मजा आएगा। करोगे? सुबह से लेकर शाम तक क्या बोला? मैंने क्या बोला? सुबह से लेकर शाम तक क्या बोला? सुबह से लेकर शाम तक हम इस शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं, सबसे पहले ये ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं, उसके द्वारा हमें फॉलो करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही मुस्कुरा देना है। क्या करना है? मुस्कुरा देना है। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? यहां से आपकी शुरुआत हो रही है ट्रेनिंग। पहले तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अच्छा, सभी मुरली सुनते हैं? मुरली में एक गाना आता है, मुरली से पहले ट्रैफिक कंट्रोल, कौन सा गाना बोलो बोलो। मैंने गीत गाने के लिए बोला, आप डायलॉग बोल रहे हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो। बोलो, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा मुस्कुराइए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, होगा दूर अंधेरा। अच्छा, ओके, ये गाना हो गया। लेकिन इस गाने का अर्थ क्या है? मुरली से पहले क्यों बजता है? ड्रामा समय के अनुसार बहुत ही फिक्स एक्यूरेट है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा, इस गाने का अर्थ आप बताना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, सोच समझ के बताना। अंतर मन में कौन सी ज्योति जगानी है? देखा, फटाफट बोल दिया, कोई कोई अच्छे आंसर दिए, आत्म ज्योति जगानी है। कौन कौन कह रहे हैं कि आत्म ज्योति जगानी है? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, मैं कहूंगा आप घर में रहते हो? नहीं नहीं, घर मेरे में रहती है, घर मेरे में रहता है, ये ठीक है? या मैं घर में रहता हूं? ये है आत्मा। ये क्या हुआ? आत्मा के अंदर क्या है? मन बुद्धि संस्कार। क्या है? मन बुद्धि संस्कार। मन के अंदर क्या है? अंतर्मन। तो अंतर्मन के अंदर कौन सी आत्मा ज्योति जगाओगे आप? तो अभी तो बोल रहा था आत्म ज्योति जगानी है अंदर। कोई भी पॉइंट बोल देना, बस बाबा के मुरली है कुछ। जब सोच समझ के कार्य करेंगे ना तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ज्ञान की ज्योति जगानी है। कौन सी ज्ञान? ज्ञान नहीं, क्या ज्ञान है? ज्ञान तो निरंतर फूट रही है, लेकिन शुभ संकल्प की रचना करनी है। वो तरीका हमें इस पांच तत्वों के शरीर द्वारा हमें जो बिगाड़ा है उसको सुधारना है। फिर देखो अंतर मन में संपूर्ण रूप से अच्छे फूल खिलने लगेंगे, संकल्प के फूल। फिर आपके जीवन दिव्य बन जाएगा। तैयार हो? तो सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? मुस्कुराना। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? अभी जो लाइन बोला आप बोल के दिखाओ। बोलो। नहीं नहीं, वो नहीं। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही मुझे मुस्कुराना है। सभी अपने अपने बिस्तर, बेड पे, रूम पे सोए हुए हो, नींद खुली 3 बजे 2 बजे। गुड मॉर्निंग बाबा। मुंह धुलाई किया उसके बाद कोई देख तो नहीं रहा है? कोई थोड़ी देख रहा है जो मुस्कुरा के बाबा। अगर देख लिया तो अभी बदलता नहीं है, क्योंकि हमारे तो रावण की सर्टिफिकेट है, डिग्री लगे हुए। अभी बदलना है। जैसे ही सुबह उठो आदत डालनी है, गुड मॉर्निंग बाबा, हो सकता है? क्योंकि हमारा जो अंतर मन है वो निरंतर पूछता है,
जैसे जिन होता ना, कौन सुना ना अलादीन की घटना, कहानी सुना ना, वो अलादीन की दिया से निकलता है धुआं कर, पूछता है क्या चाहिए, क्या बोलता है, माताएं बोलो ना सभी, अभी बोल नहीं रही, हमारी कई माताएं बैठे हैं, बोलो क्या पूछता है, अंतर में निरंतर पूछता है क्या चाहिए। आज तो दिन भर मेरा बहुत काम है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये से काम कौन करेगा, ठीक है और भी दुखी होना है आपको, आज तो मेरा बेटा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बीमार हूँ, सिर दर्द हो रहा, ठीक है और भी दर्द होगा, क्योंकि जो चाहिए वो देगा। तो आपको क्या चाहिए, खुशी, आनंद, प्रेम, सतयुग में जाने चाहते हैं हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, तो अंतर में निरंतर पूछता है उसको। इसलिए सुबह उठते ही आंखें खोलते ही क्या करना है, ये जो सिकड़ा हुआ चेहरा है ना, वो कहेगा आज भी इसको दुख चाहिए क्योंकि चेहरा बिगाड़ा हुआ है। अगर मुस्कुरा, अरे ये तो मुस्कुरा रहा है, आज दिन भर इसका अच्छा जाने वाला है। जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया है, मैं एक की नहीं, हजारों की नहीं, लाखों की बात कर रहा हूं, बहुत ही आनंद लुप्त उठा रहे हैं। कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, देखो कितना मजा आएगा। सुबह आंखें खुली और मुस्कुराना शुरू किया, हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अंतर मन है, सत्युग में 24 घंटे काम करता था, लेकिन सत्युग में बाबा कहते हैं ना कलाहीन शक्तिहीन हो गया, अर्थात अंतर मन काम नहीं करता है, अर्थात कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ समय है जो आपकी बातों को एब्जर्व कर लेता है, वो है सुबह उठते ही आंखें खुलते ही कुछ सेकंड के लिए, और धीरे धीरे आप उस सेकंड को बढ़ा सकते हो अच्छे संकल्प देख, एक संकल्प देके, हो सकता है, करोगे। सबसे पहले मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है कल सुबह, उसके बाद फिर आप करेंगे, ठीक है। मुस्कुरा के देखना थोड़ा है। मैं 1 2 3 कहूंगा, सो जाऊंगा, नीचे नहीं सिर्फ ऐसे टेढ़ा करूंगा, तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। फिर उसके बाद एक कमेंट्री होगा, रात को सोने के बाद हम सभी क्या देखते हैं, बोलो ना ठीक से, तो पानी गर्म, रात को सोने के बाद क्या देखते हैं हम, अरे बोलो, स्वप्न देखते हैं सोने के बाद, और तो कुछ देखते नहीं, देख नहीं सकते, तो स्वप्न, एक स्वप्न की कमेंट्री होगी, और उसके बाद मैं उठूंगा फिर देखूंगा। तो ये सब मैं कैसे करता हूँ, आप भी थोड़ा अभ्यास कर लेना। मैं 1 2 3 बोलता हूँ, बड़े ध्यान से मुझे देखना, इधर उधर मत देखो, बहुत अच्छा, 1 2 3 सो गया, गुड नाइट बाबा। अरे वाह, आकाश में उड़ रहा हूँ, कितना अच्छा हो, ये जंगल में दौड़ा दौड़ा, पीछे सांप दौड़ रहा है, भटका भटका, वो अमेरिका में पहुँच गया, वाह, सूक्ष्म वतन में कितना अच्छा लग रहा है। चलो जो भी है सब बढ़िया, क्योंकि दिन भर मैंने अभ्यास किया है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। 3:30 बज गया, बाबा ने उठा दिया, अलार्म बज गया, घंटी बज गई, 1 2 3 गुड मॉर्निंग बाबा, वाह कितना अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, ठीक है। सिर्फ एक्टिंग करना है इतना, वो धीरे धीरे अंतर मन की ओर जाएगा, आपके जीवन खुशहाल, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बन जाएगा। तैयार हो, अभी 1 2 3 कहूंगा, आप सब सो जाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे किया, आप ऐसे नहीं, ऐसे मैं इतना बोलने के बाद कई कई माताएं भाई ऐसे देखते हैं, मुझे ही देखते रहेंगे, नहीं आपको आंख बंद करना है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, मैं जैसे बोलूंगा सभी आंख बंद करेंगे, ठीक है माताएं, सब समझ गए ना, 1 2 3 बहुत अच्छा, पास हो गए सभी, ये बहुत अच्छे सपने, आप मधुबन में घूम रहे हो, बाबा के डायमंड हॉल में बैठे हुए हो, अरे माताएं आप बंद करो आंखें, मुझे क्यों देख रहे हो, एक मिनट सभी माताएं आंखें खोलो, खोलो खोलो खोलो, ये लगता है माताओं को समझ में नहीं आ रहा, लगता है भाई लोग सभी खोलो, माताएं ऐसे कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, पहले मैं करके दिखाया, इसीलिए ये ट्रेनिंग आप करोगे तो कल से शुरू हो सकती है आपका। सबको कैसे करना है देखो, ऐसे गर्दन टेढ़ा करना है, आंखें बंद करनी है, फिर जब मैं 1 2 3 कहूंगा स्वप्न कमेंट्री के बाद, आपको धीरे से उठना है, कुछ सेकंड देना है,
पहले मुस्कुराना है, गुड मॉर्निंग बाबा, ठीक है। वो तो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर सिखाता है, यहां बाबा हमको सिखा रहा है ना। चलिए स्टार्ट, 1 2 3 सब सो गए, वाह बहुत अच्छा। बॉम्बे में गए, इंडिया गेट के पास घूम रहे हैं, चलो देखा नहीं तो कोई बात नहीं, दिल्ली के कुतुब मीनार, ये जंगल में पहुंच गए, सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा के पास। अरे पीछे से बड़ा सा शेर भाग रहा है, भागा भागा भागा, भागा। कोई बात नहीं, 3:30 बज गया, बाबा ने आके उठा दिया। 1 2 आंख बंद करो माता जी, 1 2 3 गुड मॉर्निंग बाबा, बोलो थोड़ा एक्सप्रेसिव, गुड मॉर्निंग बाबा। देखो इतना कहने के बाद भी माताएं ऐसे देख रहे हैं, 3-4 ज्यादा नहीं, 4-5 माताएं मैंने देखा ऐसे देख, करना ही नहीं है उनको। अरे करोगे तो पाओगे, आज तक जो नहीं हुआ ना वो होने वाली है। सचमुच आपकी संकल्प शक्ति की ऊर्जा से आप नहीं चाहते हो कि आपके परिवार में सबको दिव्यता बाबा का अनुभव हो। हर भट्टी के एक अनुभव में बताऊं, आज तक 800 भट्टियां हो चुकी है और हर भट्टी में ये एक्सपीरियंस रहा, जिन्होंने फरिश्ता बना के छोड़ दिया, जो कभी नहीं आते थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम को गाली देते थे कि वहां क्यों जा रहे हो ऐसे ऐसे, वो खुद आके भट्टी में आके बैठते हैं पीछे और कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और 8-8 घंटे बैठते हैं। वो तब हुआ जब आपने ये प्रयोग सारे सीखा, फरिश्ता रूप भेजा, जब फरिश्ता रूप भेजने के लिए ये सारी तरीका सिखाया जा रहा है, फिर भी आपको तो करना ही नहीं है ऐसे, क्यों आंखें बंद नहीं होती है? अरे ट्रेनिंग चल रही है। चलो और एक बार करते हैं, सभी को आंख बंद करना है, ठीक है। 1 2 3 सो गए, वाह ये तो हम पड़ोसी के घर में घूम रहे, नदी के किनारे घूम रहे, बहुत अच्छा, मधुबन में पहुंच गए, बाबा से मिलन मिला, ये सूक्ष्म बतन में स्वर्ग में पहुंच गए। माता जी अभी भी आपके आंख खोलिए, बंद करो ना, हाँ बहुत अच्छा, कितनी अच्छी नींद आई, सब बढ़िया, आनंद आ गया, मजा आ गया, अभी बाबा के उठा दिया 3:30 बजे। 1 2 3 देखो रास्ते में आप जब जाते हो सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हो, पहले मुस्कुराते हो या पहले बोलते हो कैसे हो? पहले मुस्कुराते हो बाद में कैसे हो पूछते हो, है ना, या पहले बोलते हो कैसे हो? नहीं पहले, अरे कैसे हो, हाँ या ना। तो सबसे पहले अंतर मन को मुस्कुराहट की नजारा देना है, ताकि आपकी चारों तरफ अच्छा 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 हो जाए। और सबसे अच्छा शब्द है तन स्वास्थ्य, मन स्वास्थ्य, धन स्वास्थ्य, संबंध स्वास्थ्य, प्रकृति स्वास्थ्य, वैभव से संपन्न जो भी चाहिए ब्राह्मण जीवन में, अप्राप्ति वस्तु कुछ भी नहीं है, उसके लिए एक ही शब्द बाबा ने जो मुरली में कहा है, सफलता। क्या बोलो, बोलो ना, जैसे मकान बनाने के लिए 4 खंभे चाहिए, कुर्सी में बैठने के लिए मजबूत के लिए 4 कोना चाहिए, जैसे 4 दिशाएं हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, उसी तरीके से सफलता। ये सफलता शब्द आपके अंतर मन में अगर प्रवेश कर जाए सुबह सुबह, सफलता ही सफलता, बोलो। अरे थोड़ा एक्टिंग कर लो, एक्टिंग सीख लो, सफलता ही सफलता, 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 सफलता, बोलो ना, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता। मैं कहता हूं ये शब्द, ये जो गाना है, अगर आप बार बार, बाबा के शब्द है सारे, अगर ये अंतर मन में चला जाए आपके जीवन में 4 चांद नहीं 64 चांद खिलने लगे। कितने? ताली तो बजाए नहीं किसी ने, बोला भाई साहब ये 64 चांद क्या होता है, मैंने कहा 4 चांद क्या होता है, बोला वो तो कहावत है, ये भी एक कहावत है, चांद तो एक ही होता है, एक चांद की रोशनी से पूरा धरती रोशन हो जाता है कि नहीं, अगर 4 चांद होंगे तो कितना होगा,
उसकी जगह 64 कर दो, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। तो कहने की ब्राह्मण जीवन में खुशियां खुशियां खुशियां, संपन्नता सफलता। तो इसलिए हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं, पहला संकल्प को फॉलो करना है। कर सकते हो? क्योंकि सत्युग में दो दो संकल्प तो नहीं चलेंगे, कितने संकल्प चलेंगे? कितने?